हे गाइस, तो चलिए आज बनाएंगे ना एक सुपर हेल्दी नाश्ता। जब कभी ऐसा होता है ना, घर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं होते हैं, सिर्फ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3-4 चम्मच बेसन लेंगे एक बोल में और उसे अच्छे से छान लेंगे। तो छलनी से इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो क्या होता है कि बेसन ईजिली छन भी जाता है और जो आपका बोल है उससे बाहर गिरता भी नहीं है। अब उतनी ही क्वान्टिटी में, जितनी क्वान्टिटी में हमने बेसन लिया था उससे थोड़ा सा कम हम ले लेंगे, जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो। अब क्या होगा ना कि बेसन और आटे से मिक्स करके बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि जो हमारे जो रोल्स हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और वो मोड़ते समय ना टूटेंगे नहीं। तो अब देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और इसके अंदर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, जितना भी आप खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दीजिए, और उसके बाद जो भी बेसिक से मसाले आपके पास अवेलेबल हैं या जिसका फ्लेवर आपको पसंद है वो आप डाल दीजिए। मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा डाला है यहाँ पर अजवाइन, जिसको कि ऐसे हाथों से क्रश करके डाल दिया है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो डाल दिया। अब इन सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को कर देंगे अच्छे से मिक्स, और अब ना हमें इसका एक बैटर रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बस थोड़ा सा इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है वैसा रखना है इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा बैटर, और पानी ना एक साथ मत डालना वरना जिसमें लम्ब्स है ना वो बन जाते हैं। तो खूब अच्छे से फेंटिए इसको। तो इसमें तकरीबन मेरा एक ग्लास पानी लग गया है, और उसके बाद ऊपर से डाल दीजिए ढेर सारा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, चाहे तो आप इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उसको अवॉइड किया है। और उसके बाद एक लैडल से इसको और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बस बैटर हमारा रेडी है। अब लेंगे एक तवा और उसमें हल्का सा घी लगाएंगे, और उसके बाद ना हमें इसको जैसे हम चीले बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसके चीले बनाने हैं। तो सबसे पहले एक बैटर से, लैडल से एक बैटर को इस तरीके से डालिए, हल्का सा इसको स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद ना इसे पकने देंगे। तो जो फ्लेम है वो हम मीडियम हाई रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई मत रखना, मीडियम रख लेना। और उसके बाद ना इसको पलट लेंगे, पलट पलट के थोड़ा थोड़ा घी भी लगा लीजिए, और जब ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए ना, तो बस उतना पकाना है, 2 से 3 मिनट के अंदर ये पक के रेडी हो जाता है। हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए ताकि कहीं से भी वो कच्चा ना रह जाए, और बाकी के जो सारे आपके जो चीले हैं ना वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो चीले हैं बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये। और अब आपको जब इनको सर्व करना हो ना, तो बीच में कोई भी चटनी या कोई भी सॉस वगैरह आप लगा सकते हैं, और उसके बाद ना इनको ऐसे रोल कर देना। फ़िलहाल मैंने अभी नहीं लगाया है, जब मैं टिफ़िन में पैक करूँगी तो मैं इसके अंदर सॉस लगा के इनको ऐसे रोल कर दूँगी, और ये ना बिल्कुल ऐसे ही आपको खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है गाइस, आप इसे बना सकते हैं टिफ़िन में, नाश्ते में, या इवनिंग स्नैक के टाइम पे आप इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।